खबर लालगंज से है, जहां लालगंज प्रखंड कार्यालय के बगल में स्थित श्रृंगी ऋषि का स्मारक स्थल तेज आंधी पानी के कारण हुआ ध्वस्त, कोई हताहत नहीं। वहीं लोगों ने बताया कि आंधी पानी के कारण वहां जान माल की क्षति नहीं हुई है, अन्यथा हमेशा कुछ लोग उस स्थल के पास छायादार वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। अगर लोगों के बैठने के क्रम में यह गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं लोगों ने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण आज यह स्मारक गिरा है। लालगंज विधायक से लेकर नगर परिषद के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि तक स्मारक स्थल का पुनः निर्माण करवाने का बड़े बड़े वादा करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस स्मारक स्थल का पुनः निर्माण नहीं कराया गया। अंततः जर्जरता के कारण तेज आंधी पानी में यह गिर गया। वहीं रेपुरा सहित कई जगहों पर बिजली के पोले एवं बिजली के तार पर कई पेड़ पौधे गिर गया है, तो नगर परिषद कार्यालय परिसर में लगे कई पेड़ तेज आंधी पानी के कारण गिर गया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के सरसई गांव में ऑन ड्यूटी आर्मी लिखे हुए एक ट्रक पर पुलिस ने शराब बरामद किया है। बता दें कि शुक्रवार की देर रात्रि मद्य निषेध टीम पटना एवं सराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ऑन ड्यूटी आर्मी लिखा हुआ एक ट्रक जब्त किया है, जिसकी तलाशी लेने के बाद ट्रक से 100 कार्टून शराब बरामद किया गया है। बरामद शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस संबंध में सराय थाना अध्यक्ष विदुर कुमार ने बताया कि मद्य निषेध पटना के सूचना पर सरसई गांव में छापेमारी कर ऑन ड्यूटी आर्मी लिखा हुआ एक ट्रक को जब्त किया गया, जिस पर फर्नीचर के सामान लदा हुआ था और फर्नीचर के नीचे विदेशी शराब रखा हुआ था, जिसे जब्त की गई है। वहीं मौके से 6 धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है तथा यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर ऑन ड्यूटी आर्मी लिखे हुए गाड़ी में शराब किसके द्वारा भेजा गया है। खबर लालगंज से है, जहां लालगंज थाना परिसर में भूमि विवाद के निपटारे को लेकर जनता दरबार लगाया गया, जहां लालगंज अंचलाधिकारी पंकज कुमार एवं अपर थाना अध्यक्ष विधि व्यवस्था रजाउर रहमान तथा थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। वहीं बताया गया कि आज शनिवार को दो पुराने मामले से संबंधित आवेदक जनता दरबार में पहुंचे, जिनका भूमि से संबंधित साक्ष्य का जांच करते हुए दोनों मामले का निपटारा कर दिया गया। इस संबंध में अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि प्रत्येक शनिवार को लालगंज थाना परिसर में भूमि विवाद के निपटारा को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी को साक्ष्य के आधार पर उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। साक्ष्य के अवलोकन के आधार पर भूमि विवाद से संबंधित मामले का निपटारा किया जाता है। खबर लालगंज से है, जहां लालगंज नगर क्षेत्र के GA हाई स्कूल के पास शनिवार को एक मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात व्यक्ति ने पीतल तांबे की बर्तन साफ सफाई करने एवं जेवर की सफाई के नाम पर एक घर में घुसकर गृह स्वामी से बर्तन तथा गहने साफ करने की बातें बताकर लाखों रुपए की जेवर लेकर फरार हो गया। घटना के बारे में बताया गया कि दो अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसते ही बताया कि वह एक केमिकल कंपनी की तरफ से आया है और बर्तन जेवर आदि साफ सफाई करने वाला केमिकल बेचता है। खबर लालगंज से है, जहां लालगंज नगर क्षेत्र के GA उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डायरिया से बचाव के लिए छात्र एवं छात्राओं के बीच परिचर्चा की गई। बताया गया कि अगर किसी को बार बार पतला शौच हो रहा है तो यह डायरिया के लक्षण है। इससे प्रभावित व्यक्ति में पोषण तत्व की कमी, पानी की कमी एवं कमजोरी हो जाता है। इसके लिए आपको ORS का घोल पीना चाहिए। वहीं शिक्षक संजय कुमार ने छात्र एवं छात्राओं को ORS बनाने के तरीके को बारीकी से बताया है। इस मौके पर प्रभारी प्रधान अध्यापक कमलजीत कुमार, प्रवीण कुमार, राजू कुमार, अर्चना कुमारी सहित दर्जनों शिक्षक एवं शिक्षिका मौजूद रही। स्कूल चले हम।